क्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जो एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आ रही है कि एक टीम तो आपके सर फाइनल खेलने जा रही है इंग्लैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, लेकिन एक दूसरी टीम भी बन रही है जो श्रीलंका जाने की बात, श्रीलंका जाने की बात हो रही है। जितने भी युवा गेंदबाज आ रहे हैं हम उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको क्या लगता है सिद्धार्थ की सीनियर गेंदबाजों की भी जगह जरूर बनती है उस टीम में, तो क्या आप एज अ सीनियर गेंदबाज श्रीलंका जाने के लिए तैयार हैं? सर मैं ऑब्वियसली कोई भी टीम के लिए मेरे को सिलेक्शन हो तो, कंट्री के लिए कोई भी टीम में सिलेक्शन हो तो आई लव टू प्ले, कोई भी टीम के लिए खेलना हो, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही रहता है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और जिस मुकाम पे भी मिले, चाहे वनडे में मिले, T20 में मिले या टेस्ट क्रिकेट में मिले, तो ऑब्वियसली वो एक्साइटमेंट रहती है और हमेशा दिली ख्वाहिश है कि कंट्री के लिए खेलूं और लंबा खेलूं, तो बस वो उसी के लिए मेहनत करी जा रही है और हमेशा करता रहूंगा। और अपने आप को जब भी कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा हाईएस्ट पॉइंट का, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे इंडिया ए हो या आईपीएल हो या इंडियन टीम हो, तो उसमें अपना खरा उतर। बिल्कुल, लेकिन एक बात वैभव, हम बात कर रहे थे सिद्धार्थ, हम बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, आपके बारे में चर्चा हो रही थी कि सिद्धार्थ से इंटरव्यू करना है, तो हम अपना होमवर्क कर रहे थे कि क्या क्या सवाल करेंगे, क्या बात करेंगे। तो 2018 सीजन सिद्धार्थ का बड़ा निखर कर आया, बाहर आया, हमने देखा 2018, लेकिन उसके बाद आपको टीम में जगह भी मिली, उसके बाद आपने टीम में जगह खो दी, पक्की नहीं कर पाए, तो आप अपने इस सफर को कैसे देखते हैं? टीम में पहुंचे, आपने मैचेस भी खेले, इंग्लैंड भी गए, बिल्कुल आयरलैंड के खिलाफ मैच खेला, लेकिन ये चांसेस आपके हाथ आए, लेकिन चांस पे क्या आपको लगता है आपने चांस को दोनों हाथों से पकड़ा नहीं? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको मौका मिलना इम्पॉसिबल होता है एक तरह से, और वहां पर आप टीम में खेला आप सब, लेकिन उसके बाद टीम में वो जगह पक्की क्यों नहीं कर पाए? अभी भी वक्त है, लेकिन जो बीता हुआ पास्ट है अभी हाल का, तो उसके बारे में जब सिद्धार्थ सोचते हैं तो क्या लगता है कि क्यों? सर मैं तो कभी पास्ट को ये नहीं सोचता क्यों, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मैंने उस टाइम पे भी अपना 110% दिया और अभी भी आने वाले जो भी फ्यूचर होगा या प्रेजेंट होगा उसमें भी दूंगा। कभी मैं रिग्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि तब भी मैं परफॉर्म करके टीम में आया, अभी भी परफॉर्म करूंगा तो टीम में जरूर आऊंगा, मेरी ये थिंकिंग है। दूसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली आप लॉन्ग रन के लिए जाते हैं कि हाँ यार मैं लंबा खेलूं हिंदुस्तान के लिए या लंबा खेलूं पंजाब टीम के लिए या लंबा खेलूं मैं आईपीएल के लिए, हर बंदा चाहता है कि मैं खेलूं, पर वो कुछ ही फॉर्चुनेट्स होते हैं जो लंबा खेलते हैं, और कईयों को वो भी होती है कि आपको आपको फ्री चांसेस मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे को जितने चांसेस मिले उसमें मैंने अपने 110% दिया, और कोई ऐसी भी ना हो कि मैंने बहुत ही ड्रास्टिक खराब बॉलिंग करी हो। आप अगर देखोगे 3 वनडे खेला हूं तो मैंने 103 वनडो में मतलब मेरे ख्याल से 160 या 70 रन दिए, 6 की एवरेज से रन खाया, जो आजकल नहीं बचते 6 की एवरेज से रन, बिल्कुल विकेट कोई नहीं मिली, अनफॉर्चुनेटली वो चलता है, वो तो पार्ट एंड पार्सल गेम है। कभी आपको खराब बॉल पे भी विकेट मिलती, अच्छी बॉल पे भी नहीं मिलती कभी कभार। और T20 में मैं खेला 3 मैच, उसमें मेरी 4 विकेट है, 1 मैच आयरलैंड के साथ खेला, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, 1 मैच इंग्लैंड के साथ खेला, तो उसमें मेरी 4 विकेट है। पर जो आप देखेंगे सिनेरियो कि जो मैं पहला मैच खेला अपना इंग्लैंड के साथ वो 2018 में खेला, फिर उसके बाद T20 का एक अगला मैच खेला 2019, तो आप गैप देखिए कि हर गैप में मतलब एक कॉन्टिन्यूसली आप खेल रहे हो, टीम के साथ चलते रहो, खेलते रहो हर मैच, तो आपका अलग बिहेवियर होता है खेलने का, ठीक है सर? और आप जब एक मैच खेले हो उसके बाद आपको अगली सीरीज नहीं मिलती, उससे अगली सीरीज नहीं मिलती, फिर नेक्स्ट सीरीज में आपको कॉल होती है, तो आपको दिमाग में यही रहता है कि हाँ यार मैं अगर नहीं क्लिक हुआ तो आई विल बी आउट, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है, आप ह्यूमन हो, आपके दिमाग में जरूर आएगा कि अगर मेरा यहाँ नहीं है क्लिक करा तो मैं आई विल बी आउट, करेक्ट? तो वो जरूर रहता है आपके दिमाग में। पर अगर जैसे अब मैंने देखा है पिछले 2-3 साल से इंडियन टीम जो सक्सेसफुल चल रही है, 4-5 साल से, क्योंकि मेरे को जो लग रहा है ये 2-3 साल में बॉलर्स क्यों ग्रूम हुए हैं, क्योंकि उनको एक फ्री थ्रो दिया, हर प्लेयर को कम से कम 6-7 मैच मिले, वनडे हो, T20 हो, correct. या टेस्ट क्रिकेट हो, correct. तो वो आपने देखा होगा निखर के आया होगा प्लेयर। आप मोहम्मद सिराज को देख लीजिए, आप वनडे T20 में वो इतना खास नहीं कर पाया, पर जैसे ही उसको टेस्ट मैच में मिला, उसको रन थ्रू मिला, ही इज समथिंग एल्स, एवरीवन इज टॉकिंग कि यार अपकमिंग नेक्स्ट बॉलर फॉर इंडियन टीम मोहम्मद सिराज, ये सारी चीजें। सेम चीज
शार्दुल को देखो, शार्दुल को पूरा चांस मिला T20 और वनडे में, वो एक अलग वेपन है, ये हमारा गोल्डन आर्म बॉलर है कि जब भी इसको बॉल मिलेगी ये विकेट निकाल के देगा। तो जब तक आपको चांस मिलते रहते तो आप अलग कॉन्फिडेंस में होते हो और टीम को और ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है और ज्यादा आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा कब सिचुएशन में क्या कर सकता है। तो मेरे हिसाब से वो चीज इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर को एक अच्छा फ्री हैंड दिया जाए। तो आपने बहुत, फिर बहुत लेकिन हमारे दिमाग की खिड़कियां खोल दी, और जो व्यूअर सुन रहे हैं और जब हम इस पर और डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी एक फाइट होती है युवा खिलाड़ी के लिए। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूले ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।